जैसे मुझे जानते हो कि मैं कुणाल और आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि थोड़ा इशू था, थोड़ा पढ़ाई वगैरह थी और रिकॉर्डिंग भी थोड़ा वॉइस क्लियरेशन नहीं आ रहा था। वॉइस में कुछ जितनी चाहिए थी वैसे क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन ठीक है चलो बहुत दिनों बाद आया हो तो एक वीडियो तो बना ही लूँ। तो आज बहुत जनों की रिक्वेस्ट थी कि रिक्वेस्ट तो नहीं लेकिन बहुत जन पे बहुत वीडियोस देखा था मैंने पियानो पर कि यार पियानो जैसा चाहिए वैसे मिलता नहीं है। अभी पियानो बहुत यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे कि पियानो के अंदर थोड़ा स्ट्रिंग वगैरह लगा के थोड़ा उसको और मेलोइश बना देते या तो पियानो की वैसे एडिटिंग होती नहीं थी जैसी चाहिए। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ कि बेस्ट पियानो, मतलब आपकी एक रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी कि आपकी सपना पूरा जाएगा डिजिटल पियानो जैसी वॉइस चाहिए, तो ये आपका एक जो सपना पूरा हो जाएगा कि एकदम सेम डिट्टो साउंड डिजिटल पियानो की, लेकिन प्ले करने का भी स्टाइल जैसे मैंने इंट्रो में प्ले किया था पियानो वैसे प्ले करोगे तो आपको कोई कमी नहीं होगी। बस बहुत जन खरीदते 88 कीज के लिए, लेकिन 61 कीज चलो ठीक है, जिनके पास ज़्यादा मनी अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो 61 कीज का कैशियो सीटीएक्स 8000IN बेस्ट मॉडल, मैं तो अभी तक इसको पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत कीबोर्ड से मेरे को अच्छा लगा और इसके अंदर आज डिजिटल पियानो सीखते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप फ्रेंड्स स्क्रीन दिख रही होगी और आई होप स्क्रीन इज़ विजिबल एंड चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टोन सेलेक्ट कर देगा 004 नंबर की मेलो पियानो कर्सर से आप चेंज कर सकते हैं। तो पियानो की कैटेगरी में स्टार्टिंग आप पियानो अगर ओपन करोगे ऑन करोगे तो चौथे नंबर पे टोन मिल जाएगी 004, फिर इसे होल्ड करके रखना है तो चलिए होल्ड करके रखते हैं। स्क्रीन पे आते हैं तो अटैक टाइम अपने को 16 रखना है, रिलीज टाइम 89। फ्रेंड्स देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, 85 कट ऑफ अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, और जो मैं पैरामीटर्स रख रहा हूँ वही रखिएगा वरना टोन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो मैं बेटर बोलता हूँ आपको ऐसे ही रखिएगा मेरे जो पैरामीटर है। रेजोनेंस 64, वॉल्यूम फ्रेंड्स कम रखिएगा, वॉल्यूम कम रखने से क्या होगा जितना जोर से आप प्ले करोगे उतना हमिंग कम होगा। अब यह वॉल्यूम कोई कोई जन फुल रखते हैं तो वो फुल मत रखो, मोस्टली तो मैं बोलता हूँ आपको 100 या फिर 90 तक तो वॉल्यूम रखो आप, फुल रखोगे तो हमिंग भी ज़्यादा होगा, स्पीकर भी थोड़े फॉल्ट हो सकते हैं, स्पीकर भी थोड़े ख़राब, मतलब हमिंग ज़्यादा हो जाएगी स्पीकर में, तो 80 रखेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्रेंड्स कम रखेगा। रिवर्ब अपन चेंज करेंगे वहाँ से फ्रेंड्स, डीएसपी का इसके अंदर मेन रोल है तो डीएसपी के अंदर एंटर मारेंगे, इसकी से जाएंगे 6 नंबर प्रेस किया फिर कर्सर से आगे बढ़ेंगे, और फ्रेंड्स आपका जो डायल है वो घुमाना है आपको और 004 पे लाना है जो कि अपना मेलो पियानो ही है, जो कि शायद डिफ़ॉल्ट आता ही है मेलो पियानो उसके अंदर, फिर एक बार एंटर मारना है, फिर एंटर करने के बाद स्टीरियो में जाना है, अब कर्सर से राइट इक्विलाइजर 1 फ्रीक्वेंसी 12 रखना है, 12
इक्वलाइजर वन गेन ज़ीरो, इक्वलाइजर टू फ्रीक्वेंसीज 14, इक्वलाइजर टू गेन ज़ीरो, इक्वलाइजर थ्री फ्रीक्वेंसी 18, इक्वलाइजर थ्री गेन माइनस 08, माइनस पे लाना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपना जॉग व्हील, इन लेवल और वेट लेवल 127, ड्राई लेवल 0, एग्जिट करना है, एग्जिट। फ्रंट स्टोन सेव कर लेनी है, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। तो मैंने नया नाम एज अ डिजिटल पियानो दिया है, तो अभी आपको क्या करना है, तो सिंपली फंक्शन सिंगल प्रेस करना है, सिंगल प्रेस फंक्शन, टच ज़्यादा रखो, तो टच ज़्यादा रखो, पीछे आना है, अदर मीडिया मीडी। फ्रेंड्स इक्वलाइजर आप 10 रखेंगे, अभी आप कोई भी टोन वगैरह प्ले करोगे तो मैं तो बोलता हूँ आपको इक्वलाइजर 10 रखो। इक्वलाइजर 10 में क्या होगा, साउंड इक्वलिटी आती है, एकदम क्लासिक आएगा, देख सकते हैं नाम देख सकते हैं, स्टैंडर्ड अपने डिफॉल्ट ये रहता है स्टैंडर्ड। क्लासिक रखो हर एक टोन के लिए, क्लासिक बेस्ट हो, और बहुत से टोन हैं ऐसे जो क्लासिक में बहुत अच्छे बजते हैं और स्टैंडर्ड में थोड़े इतने हमिंग ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड में बेस वगैरह ज़्यादा नहीं, लेकिन क्लासिक में ओरिजिनल टोन का ही अच्छे से वॉइस आएगा। डीले फ्रेंड्स कुछ नहीं, फ्रेंड्स रिवर्ब जो है वो 08 रखना है, लार्ज नूम 2, इसको होल्ड करके रखना है अपना पार्ट को। अभी अपने को नीचे करना है, देख सकते हैं ये जो नीचे ऊपर दो है तो 2 नंबर से नीचे वॉल्यूम 90, रिवर्ब 6, रिवर्ब सैंड 65, कोरस सैंड 0000। फ्रेंड्स टोन एकदम रेडी है, फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, अगर आपको पियानो अच्छे से प्ले करने आता है तो आप मज़े ले सकते हो उस पियानो को, ना ही आपको अभी कुछ बार बार रोना पड़ेगा कि भाई पियानो नहीं है अच्छा, साउंड नहीं है अच्छा, तो कुछ टेंशन नहीं। ऑक्टेव डाउन करके बताता हूँ, फ्रेंड्स टोन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे टोन्स आपको फ्री में मिल सकते हैं, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे टोन जो आप फ्री में पा सकते हो, तो चैनल पे बने रहने का कारण यही है कि आपको अच्छे टोन्स फ्री में मिलेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, और सब्सक्रिप्शन वगैरह की कोई कॉस्ट नहीं, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब मार दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, एंड स्टे ऑन स्टे सेफ। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।